पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए 84 के सिख दंगों में मेरा नाम घसीटकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब कमलनाथ के इस बयान के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं और अपनी काबिलियत से इस पद पर पहुंचा हूं, जबकि कमलनाथ गरीब लोगों का खून चूस चूस कर अरबपति बने हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मैं सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं और मेरे जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों ने इतने बड़े पद पर पहुंचाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। वीडी शर्मा ने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कद का बिल्कुल भी नहीं हूं और ना ही मैं उनके कद का बनना चाहता हूं। भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, मैं उनके कद का ना बनूं। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ, जब आप कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर थे तो आपके ऊपर चीन के साथ सांठगांठ करके धांधली करने के आरोप लगे थे, आप उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं देते हो? आप सभी आरोपों पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हो? ये बात बिल्कुल सही कही कमलनाथ जी ने कि मैं उनके कद का बिल्कुल नहीं हूँ और भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखे कि मैं उनके कद का न बनूं। मैं एक सामान्य गरीब किसान का बेटा हूँ और गरीब किसान का बेटा एक गांव के स्कूल में पढ़ करके मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, हमारे नेतृत्व को, मेरे विचार परिवार के उन लोगों को बधाई धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य गरीब किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। कमलनाथ जी, मैं उस पद पर कभी नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं तो गरीब आदिवासी के घर भोजन करने जाता हूँ, उसके साथ आत्मीयता से मिलकर के गले लगा करके उसको भाई मान करके उसके माननीय प्रधानमंत्री के जो उन्नति के मंत्र हैं उनको लेकर के उनके घर में जाता हूँ। लेकिन कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा के अंदर उन गरीबों के खून को चूसकर आप उद्योगपति कैसे बने? क्या संबंध है आपका छिंदवाड़ा से? क्या संबंध है नकुलनाथ का? आप चुनाव हारे थे, आपको आपने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आपने अपनी पत्नी को लड़ाया, फिर आपके बेटे को लड़ाया, फिर अपनी अब उन्हीं परिवार की आप किन्हीं और को तैयार कर रहे हैं। अरे छिंदवाड़ा की लाखों जनता आज पूछना चाहती है कि गरीबों का खून चूस करके आप अरबपति कैसे बन गए और कैसे चीन के साथ मिलकर के कमलनाथ जी आपने गद्दारी करके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आप थे। आपके ऊपर आरोप है कि आपने दलाली करके चीन के साथ कुछ साठगांठ की। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।